अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप मेरे पीसी स्क्रीन पे एक ड्राइंग देख रहे हैं। इसमें ये एक जो है पाइपलाइन की प्रोफाइल है, अलाइनमेंट है। तो इसमें उनके पास कुछ डाटा भेजा गया है, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि उनको इस पे वीडियो रिक्वायर्ड है। तो उनके पास डाटा क्या है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये डाटा है, पॉइंट डाटा है, ठीक है। पॉइंट नंबर है, नॉर्थ है, ईस्ट है और एलिवेशन है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये एक फाइल है, इसमें इनका अंडरग्राउंड लेवल है, ओके। उसके बाद दूसरी फाइल है, ठीक है। यहाँ पे इनके पास जो है इसी के NSL दिए गए हैं, नेस्टेड सरफेस लेवल दिए गए हैं। ये भी पॉइंट की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये सेंटर लाइन का डाटा है। उनको इस डाटा से अभी अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। तो इस डाटा को हम प्रोफाइल फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है, और इनके साथ स्टेशन वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये उस अलाइनमेंट को मैंने एक न्यू ड्राइंग में कॉपी किया है, ये ड्राइंग उसकी जो अलाइनमेंट है, ओके, पाइप की, ठीक हो गया। अभी ये जो है इस पे हमें अपना पॉइंट डाटा पहले तो लाना है, उसके बाद हम इसके स्टेशन वगैरह सेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ये जो डाटा उन्हें दिया गया है NSL का, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं सिवल 3D में, ठीक है, और उसके बाद जो है इस पर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं जस्ट इसको ये जो वैल्यू है मैं इनको डायरेक्टली जो है प्लॉट कर लेता हूँ। ये एक्स वैल्यू है ईस्टिंग की, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो नॉर्थ की है, और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इसके एलिवेशन की है। डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको कॉपी किया है यहाँ से, और अभी मैं इसको सिविल 3D में यहाँ पे 3D पॉलीलाइन पे ड्रा कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइन हमारी ड्रा हो गई है, मगर इसमें स्टार्टिंग में ही कुछ प्रॉब्लम है। ये देखें अगर यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉइंट वन जो है ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, और फिर आगे जाके ये फाइव हो रहा है, जबकि ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 आएगा तो ये ठीक आएगा। तो मैंने जस्ट इन पॉइंट्स को शफल किया है दूसरी फाइल में, यहाँ पे ये सेम डाटा है। अभी मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कॉपी, ओके, सेम कमांड है 3D पॉलीलाइन, ओके, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो अभी अगर आप देखें तो हमारी लाइन जो है वो ड्रा हुई है, और आपने जिस पैटर्न में हमें चाहिए उसी पैटर्न में ये ड्रा हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फुल लेंथ पे ड्रा हो गई है, ठीक है। अभी हमें जो है इसी लाइन का जो है हमें एलिवेशन का डाटा, कोऑर्डिनेट वगैरह का डाटा चाहिए, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसका प्रोफाइल बना के दिखाना है कि ये प्रोफाइल में कैसे जाएगी। तो इसके लिए मैं इसको फीचर लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ओके, 3D पॉलीलाइन, ओके, एंटर। एक दफ़ा मैं इसको स्केप करता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास है क्या क्या। तो यहाँ पे फीचर लाइन ऑलरेडी कोई शो हो रही है हमें, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके। अभी अगर देखें तो यहाँ पे क्लिक करें तो 3D पॉलीलाइन भी दो हैं, ओके, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, ओके। अभी एक 3D पॉलीलाइन है और एक अलाइनमेंट है, ओके। तो ये आपने ख्याल रखना है कि इसमें डाटा ओवरलैप नहीं होना चाहिए आपका। अभी मैं इसको फीचर लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, ओके, 3D पॉलीलाइन, ओके, एंटर। तो ये साइट वन में हो रहा है हमारा काम, ये जो है, ओके। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, और यहाँ पे अभी जो है मेरी 3D पॉलीलाइन डिलीट हो गई है, और मेरे पास फिर फीचर लाइन और अलाइनमेंट का डाटा रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ये जो फीचर लाइन हमारे पास आई है, मैं इसके स्टेशन जो है विद स्टेशन मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ओके। तो इसके लिए टूल बॉक्स, ओके, टूल बॉक्स में यहाँ पे मेरे पास एक कंट्री किट है UK और आयरलैंड की, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन बेटर लगती है इसमें, एक्सपोर्ट फीचर लाइन चेंज विद XYZ, ओके। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने राइट क्लिक किया है तो मुझे जो है फाइल सेव की
ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पे मैं अपना एक फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइल सेव करनी है, यहाँ पे मैं इसको NSL CSV या मैं स्टेशन NSL विद स्टेशन XYZ ओके मैं सेव करता हूँ इसको। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास जो डाटा एक्सपोर्ट हो रहा है वो क्या चीज़ है। ओके यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ स्टेशन शो हो रहे हैं आपके पास और यहाँ पे ये एलिवेशन है, ठीक है। जबकि हमने इस डाटा को जो एक्सपोर्ट किया है वो स्टेशन एलिवेशन, ठीक है, और एक्स वाई जेड के साथ हमने, साथ में हमारा नॉर्थिंग ईस्टिंग भी आ गया जो कि इसमें नहीं था बाई डिफ़ॉल्ट। ओके एक डाटा हमारा एक्सपोर्ट हो गया है, अभी हमें ये लाइन नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अलाइनमेंट ही बची है, ठीक है। तो अभी मैं इस पर दूसरा डाटा जो है वो इम्पोर्ट करता हूँ। ओके दूसरा डाटा हमारे पास क्या था, ये अंडरग्राउंड यूटिलिटी का है। ओके मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी ओके, और यहाँ पे सेम मेथड से मैं इसको ड्रा करता हूँ। ओके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट की ऑप्शन देता हूँ, लाइन हमारी ड्रा हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये डाटा जो है ये थोड़ा कम है, ओके स्टार्टिंग से नहीं है, ये डाटा इनका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये डाटा में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस डाटा को मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं और उसके बाद पांचवा ये है, तो मैं इसमें 2 वर्टेक्स ऐड करता हूँ तो इनका जो एलिवेशन है वो भी इंटरपोलेट हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास जो है बिल्कुल अलाइनमेंट के पैरेलल ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये जो है मैं ऐड वर्टेक्स की कमांड देता हूँ, या आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे नहीं करना, आपने इस लाइन को जस्ट सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई टैब में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट PI की ऑप्शन है, आपने ये लेनी है और यहाँ पे आपको जस्ट जो है ये ऐड करना है। ओके ये एलिवेशन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया हमारे पास, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और फिर मैं इसी कमांड को लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इस वर्टेक्स में ऐड कर देता हूँ। ओके एलिवेशन का हमें पूछा जा रहा है कि यही है, तो हमारे पास ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपने एस्केप प्रेस कर देना है, तो लाइन आपकी बन गई है यहाँ पे। ओके अभी हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है, ये हमारा क्या है डाटा है, ये हमारा अंडरग्राउंड का डाटा है। ओके और इसको मैं अभी फीचर लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट ओके क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके यहाँ पे हमारे पास जो है अभी 3D पॉलीलाइन है और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन आ रही है कि ऑलरेडी एक फीचर लाइन है, तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। ओके अभी अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट है। ओके ये अलाइनमेंट कौन सी है, ये अलाइनमेंट ऑलरेडी जो इसमें मैंने बनाई थी इसी लाइन से, ये वही है। ओके इसका हम बाद में देखेंगे कि इसका हमने क्या यूज़ करना है। ओके फिलहाल हमें ये 3D पॉलीलाइन चाहिए। ओके और इसको हमने अभी फीचर लाइन में कन्वर्ट करना है, क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके और ये भी सेम साइट में जा रहा है, तो मैं इसकी साइट फिलहाल चेंज कर देता हूँ। ओके अगर कोई इसमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके तो ये हमारी नंबर 2 हो गई और अभी अरेज एग्जिस्टिंग एंटिटी। ओके तो ये हमारी फीचर लाइन जो है ये अभी बन गई है, तो सेम हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है एग्जीक्यूट। ओके मैंने इसको सेलेक्ट किया फीचर लाइन को, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ये जो है हमें फिर मेन्यू पूछा जा रहा है, तो मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। पहली फाइल की हमने जो नेम रखा था वो ये था NSL विद स्टेशन, ठीक है। तो अभी ये जो है ये हमारे अंडरग्राउंड है। ओके अंडरग्राउंड लेवल विद स्टेशन XYZ। ओके मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। तो अभी ये लाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी अगर देखें आप तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट है, अगर इस अलाइनमेंट को हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे इसका जो स्टेशन है 0+790.70 है। ओके और अगर हम ये जो मेन अलाइनमेंट है इसका स्टेशन हम चेक करें यहाँ पे, ये इंक्वायरी टूल है, इंक्वायरी टूल पे जब आते हैं तो ये एक ऑप्शन आती है पिक पॉइंट की, यहाँ पे अगर आप ये क्लिक करें राइट क्लिक एंड पॉइंट। ओके तो ये है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये 790.70 ये स्टेशन है। तो ये इसी के लिए मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बताया था,
ठीक है, अभी हमने दो और पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट की है, ठीक है। अभी उन दो और पोर्ट के साथ हमने क्या करना है जिससे हमारी प्रोफाइल बन जाए, तो अभी हम चलते हैं उधर, अपने फोल्डर को ब्राउज करते हैं। ये हमारी वो फाइल है जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट की थी, NSLV स्टेशन XYZ और अंडरग्राउंड लेवल। तो मैं ये वन बाई वन इनको ओपन करता हूँ। ये हमारी फाइल है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने फीचर लाइन को हमने एक्सपोर्ट किया है, तो उसके साथ हमारे ये स्टेशन की वैल्यू आ गई है, ये इसका ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग और ये जेड वैल्यू है। तो ये हमारे NSL का लेवल है, NSL में हमारे पास जो है वो जीरो से था लेवल, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको कुछ करने की, तो मैं इसको जो है सेव करता हूँ स्टेशन एलिवेशन फॉर्मेट में। यहाँ पहले वाले में मैंने स्टेशन लिया है, यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्पेस दिया है, और यहाँ पे मैंने जेड वैल्यू ले लिया इसकी। तो इसको मैंने जस्ट डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट बन गया है। अभी इसको मैंने जस्ट कॉपी किया, ओके कॉपी, और यहाँ पे मैंने नोट पैड ओपन किया है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया वैल्यूज़। इस फाइल को अभी हमने सेव करना है। ये हमारी वही सेम लोकेशन है जहाँ पे हमने पहली दो फाइल सेव की थी, तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट है इसलिए वो फाइलें यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी, ओके। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है हमारी, ये NSL है, NSL, ओके NSL फॉर प्रोफाइल, ओके। ये सेव हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, नो, ओके। अभी हमने अपनी दूसरी फाइल जो है वो ब्राउज करनी है। ये हमारी दूसरी फाइल है जिसको हमने ब्राउज करना है, ओके। आ गई है ये भी, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका स्टेशन भी जीरो से ही आया, जबकि हमें इसका स्टेशन जीरो से नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ पे देखें, ठीक है, कि वो स्टेशन कौन से हैं हमारे, ठीक है, अलाइनमेंट पे यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, ये अलाइनमेंट हमारी यहाँ से स्टार्ट है और इसके जो है वो हमने कुछ स्टेशन जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं अलाइनमेंट, ओके। तो इसके जो स्टेशन है वो कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे आपको ये PVI वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रॉस्पेक्टर टैब में, अलाइनमेंट, ओके, सॉरी टूल बॉक्स, रिपोर्ट मैनेजर, अलाइनमेंट, और यहाँ से मैं इसकी जो PI की स्टेशन की रिपोर्ट है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ओके, ये हमारी जो है 0+790 से स्टार्ट है। मैं जस्ट इसको क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके, और ये रिपोर्ट हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। ये रिपोर्ट हमारी क्रिएट होके आ गई है, मैं इसको जस्ट कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ एक्सेल में, ओके कंट्रोल एन, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। ये PI की रिपोर्ट हमारी आ गई है यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे हमें ये जो स्टेशन है वो स्टेशन हमें फिल्टर करने हैं, तो ये फिल्टर लग गया इसमें, और इसमें जो जो एम्प्टी रो है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेशन आ गए हैं। यहाँ से मैं स्टेशन की वैल्यू जो है इसको पहले मैं यहाँ पे ये जो इसके साथ प्लस की वैल्यू है, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फाइंड आल रिप्लेस, रिप्लेस आल, ओके क्लोज क्लोज। ये हमारे पास स्टेशन की वैल्यू आ गई है, मैं इन वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और जो डाटा हमने फीचर लाइन का एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, उस पर मैं इसको अभी जाके पेस्ट करता हूँ। ये अंडरग्राउंड लेवल है, ओके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डाटा सेम इसी डाटा के बराबर है, ठीक है, जबकि हमने इसकी चेंजेस जो हैं वो चेंज कर दी हैं, ठीक है। जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने वो चेंज ले ली हैं, और यहाँ पे अभी हमें जो है वो अपना फॉर्मेट बनाना है प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेशन है अभी, और नेक्स्ट में मैंने स्पेस प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने अभी ये जेड वैल्यू दे दी है, ठीक है, कंट्रोल सी, ओके कॉपी, और यहाँ पे मैंने नोट पैड को ओपन किया, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे अभी मैं अपना फोल्डर सेट करता हूँ जहाँ पे मुझे सेव करना। ये हमारी फोल्डर लोकेशन है, तो ये हमारी अंडरग्राउंड यूटिलिटी का है, UG, ओके।
ये सेव हो गई, हमारी दो टेक्स्ट फाइल सेव हो गई हैं। ठीक है, अभी हमने अपना प्रोफाइल की वर्किंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये अलाइनमेंट अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ये वाली अलाइनमेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ठीक हो गया। अभी मैं ये जो फाइल है इनको वापस इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल फ्रॉम फाइल। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, तो पहली प्रोफाइल जो हमने बनानी है वो NSL की है, ये हमारी फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन, और यहाँ पे ये जो है मेरी प्रोफाइल है ये NSL के नाम से अभी क्रिएट होगी। NSL, ओके, और यहाँ पे ये जो है मैं इसको एग्जिस्टिंग का लेबल दे रहा हूँ। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 81 पॉइंट जो है वो प्रोसेस हो चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो है NSL के नाम से ये जो है हमारी प्रोफाइल जो है वो बन के आ गई है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन है। ओके, और इसको मैं ड्रा इन प्रोफाइल व्यू करता हूँ। ओके, प्रोफाइल, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा डाटा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, क्रिएट ए प्रोफाइल व्यू। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको प्रोफाइल व्यू क्रिएट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोफाइल जो है वो हमारी क्रिएट हो गई है। तो अभी हमने इसमें दूसरी प्रोफाइल जो है वो लानी है। तो सेम मेथड है, प्रोफाइल फ्रॉम फाइल। ओके, तो यहाँ पे जो है अभी ये वाला है। ओके, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको आप कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे यूजी का नाम दे रहा हूँ। ओके, इस दफ़ा मैं इसको डिज़ाइन कर देता हूँ। ओके ओके ओके, तो इसमें 70 पॉइंट हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो है अभी प्रोफाइल आ गई है हमारी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोफाइल दोनों ड्रा हो गए हैं बड़े अच्छे तरीके से, और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो मिसिंग नहीं है। ओके, ये अपने हिसाब से ये जो है वो पॉइंट आ गए हमारे। यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी। ओके, और यहाँ पे पहली जो थी वो हमारी NSL थी, और सेकंड वाली जो थी वो हमारी ये UG थी। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके, और अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो है आप लेवल दोनों का डिफरेंस दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे, ओके, तो ये 1202, 1201 और 11097, तो ये जो भी उनका डाटा था उसके हिसाब से ये प्रोफाइल ड्रा हो गई है, यही उनको रिक्वायर्ड था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।